वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। आज हम क्लास 11th इंग्लिश पोयम नंबर 3 जो है द वॉइस ऑफ द रेन उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर आर टू वॉइसेस इन द पोयम। अगर आपने ये पोयम पढ़ी है तो इसमें दो आवाज है, वो कौन कौन सी है, हु डू दे बिलोंग टू, वो किस किस की है, विच लाइन्स इंडिकेट दिस, और कहां पे हमें पता चलता है। देखो, द फर्स्ट वॉइस बिलोंग्स टू द पोएट एंड सेकेंड वॉइस बिलोंग्स टू द रेन। पहली जो आवाज है वो पोएट की है और दूसरी आवाज रेन की है। लेकिन मैं तुम लोगों को ये रटाऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। देखो, ये पूरी पोयम है, ये फर्स्ट लाइन है और ये है सेकंड लाइन। तो ये जो बात कही है ये किसने कही है, पोएट ने, ठीक है। और ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन यहां तक ये वाली बात किसने कही है, ये वाली बात कही है रेन ने, आर ए आई एन। तो हमें रटना नहीं है, समझना है। एंड हु आर दो सैड आई, पोएट ने कहा तुम कौन हो बारिश से, तो बारिश उसका जवाब देती है, आई एम द पोयम ऑफ द अर्थ, मैं अर्थ की कविता हूं, ठीक है। सो चिल्ड्रन, ये है आंसर। द फर्स्ट वॉइस बिलोंग्स टू द पोएट, पहली आवाज है पोएट की है, एंड सेकेंड वॉइस बिलोंग्स टू द रेन। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, विच लाइन इंडिकेट दिस, किस लाइन में ये इंडिकेट हो रहा है। तो अभी अभी मैंने आपको दिखाया पहली और दूसरी लाइन में, फर्स्ट टू लाइन में इंडिकेट हो रहा है कि ये वाली लाइन किसने बोली है, पोएट ने बोला है। और थर्ड से लेके नाइन्थ लाइन तक इंडिकेट क्या हो रहा है, ये रेन ने बोला है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे से रटते हैं, रटना नहीं है। दीज आर इंडिकेटेड इन लाइन्स 1 एंड 2। देखो, लाइन 1 एंड 2 के ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया, पोएट, ठीक है। और 3 और 9 किस लाइन किसकी है, रेन की है रेस्पेक्टिवली। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, What does the phrase strange to tell mean? जो इसमें एक फ्रेज यूज हुआ है पोयम में, strange to tell, strange का मतलब क्या होता है, कोई अजीब सी बात। तो इसमें अजीब सी बात क्या हुई है, मैं आपको आंसर दिखाऊं, उससे पहले फिर से आपको पोयम में ले जाऊंगा। ये देखो, तो जो पोएट है हमारे, वो रेन से बात करते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो, विच स्ट्रेंज टू टेल। देखो, ये वाला फ्रेज है, गिव मी एन आंसर। अगर यार मान के चलो मेरे घर पे बारिश पड़ रही है हमारे आसपास, और मैं बारिश से बात करूंगा, तो क्या वो मुझसे बात करेगी, आंसर है नहीं, बात क्यों करेगी, बारिश तो अपना काम करेगी, बारिश पड़ेगी। लेकिन यहाँ की भी जो बारिश है वो बात करने लगती है, वो पोएट से, पोएट को आंसर करने लगती है। तो ये वाली बात जो है ये ही है स्ट्रेंज बात। द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन्स दैट इट इज क्वाइट स्ट्रेंज, ये बड़ा अजीब है, अजीब फिनोमेना है, क्या, दैट रेन इज टॉकिंग टू द पोएट, ये जो बारिश है जो मैंने आपको यहां दिखाई हुई है, ये पोएट से बात करने लगती है। और पोएट कौन है, वॉल्ट विटमैन, क्योंकि वो आंसर देती है, वो कहती है आई एम द पोएम ऑफ दिस अर्थ, मैं इस अर्थ की कविता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज अ पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक। अगर आपने ये पूरी पोएम पढ़ी है तो लास्ट में रेन के बीच में और म्यूजिक के बीच में एक कंपैरिजन किया गया, कहा गया है दोनों ही एक जैसी चीजें हैं। मैं अभी बताऊंगा, विच वर्ड्स इंडिकेट दिस, कौन से वर्ड्स ये वाली बात इंडिकेट करते हैं, एक्सप्लेन द सिमिलरिटी बिटवीन द टू, और रेन के बीच में और म्यूजिक के बीच में क्या सिमिलरिटी बताई गई है वो हमें बतानी है। सबसे पहले तो देखो पैरेलल कैसे ड्रॉन हुआ है, द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस इंडिकेट द पैरेलल बिटवीन द रेन एंड म्यूजिक। ये लाइन हमने पूरी की पूरी पोयम से उठाई है, पोयम अर्थ एटर्नल आई राइज। देखो ए, यहां मैं दिखा देता हूं, ये एटर्नल आई राइज इम्पेरेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, ये किसकी किसके लिए कही गई है, ये रेन अपने लिए कह रही है। और लास्ट में यहां देखो, After fulfillment, wandering, wrecked or unwrecked, duly with love returns, ये म्यूजिक के लिए बात की गई है। तो दोनों को इस तरह से पैरेलल दिखाया गया, देखो फॉर सॉन्ग ड्यूली विद लव रिटर्न्स। यहाँ पे मैं इस बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा, इसके हम डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ देखो, जो बारिश है वो समुन्दर से उठती है ना, पानी जहां होगा, फिर वो पानी हमने साइंस में पढ़ा था इवेपोरेट होता है, ठीक है, और फिर वो बादल बन जाता है, और फिर वो बादल फिर से ठंडे होते हैं, और फिर से वो बारिश बन के फिर से वो नीचे आ जाता है। इसी तरह से साइकिल चलती है, और इसी तरह से म्यूजिक जो चलता है, जैसे आजकल का कांटा लगा उइमा उइमा, तो म्यूजिक को बनाया एक म्यूजिक कंपोजर ने, वो म्यूजिक कंपोजर के दिल से निकला, फिर उसे लोगों ने सुना, फिर उसे कुछ अवार्ड वगैरह मिले,
और उसी म्यूजिक से जो ये कंपोजर है इसे बहुत शांति मिलती है, इसे बड़ी तसल्ली मिलती है। तो जो म्यूजिक है जो यहाँ से चला यहीं पे आके खत्म होता है। ऐसे ही जो बारिश है, बारिश भी जो समुन्द्र से चली, जो पानी से चली, धरती से चली, वो इवेपोरेट हुई, फिर वो बादल बनी और फिर से वो पानी बनी। तो दोनों के बीच में इस तरह से एक कंपैरिजन दिखाया गया है, दोनों को पैरेलल दिखाया गया है, ठीक है। अब देखो एक और बात इसमें क्वेश्चन में पूछी गई है, एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी बिटवीन द टू, दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी है। बोथ ओरिजिनेट फ्रॉम अ सोर्स, दोनों ही एक सोर्स से ओरिजिनेट होते हैं, मैंने अभी दिखा दिया है ना, राइज अप उठते हैं, है ना, अभी मैंने यहां दिखाया था, ये दिखाया था समुद्र से उठा फिर ऊपर उठे, ऐसे वो जो म्यूजिक है वो किसी म्यूजिक कंपोजर के दिल से निकला है ना, संगीत निकला। रीच फुलफिलमेंट, और जो उसका काम है वो अपना काम करते हैं, एंड फाइनली रिटर्न टू द सोर्स ऑफ ओरिजिन, और जहां से उन्होंने शुरुआत की थी वहीं पे आके वो मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन ब्रॉट आउट इन द पोएम, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं अभी, लेकिन एक क्वेश्चन आया तो हमें करना तो पड़ेगा ही। जो साइक्लिक मूवमेंट है रेन का, पहले यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फाइनली दोबारा वहीं पे, वो कैसे दिखाया गया है। देखो, रेन वाटर राइजेस फ्रॉम द लैंड, जमीन से उठती है, अभी मैंने दिखाया आपको डायग्राम में, ठीक है, जमीन से और डीप सी से, समुन्द्र से, एंड गैदर्स इन द स्काई। ये देखो यहां से उठी समुन्द्र से, ठीक है, और स्काई में आके, बादलों में आके गैदर हो गई, ठीक है। वेयर इट चेंजेस फॉर्म, जहां पे इसकी जो फॉर्म है वो बदल जाती है, पहले वो पानी की फॉर्म में थी, अब वो बादलों की फॉर्म में आ गई, एंड देन कम्स डाउन टू द अर्थ, और फिर से वो दोबारा से धरती पे आ जाती है, एंड इट गिव्स बर्थ टू न्यू फ्लावर्स एंड प्लांट्स। आपको देखा होगा जब मानसून आता है तो नए नए फूल खिल जाते हैं, नए नए प्लांट्स उग जाते हैं, ठीक है, जो बीज जो मिट्टी के अंदर दबे हुए थे उन्हें वो जन्म देती है, एंड फाइनली रिटर्न्स टू द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन, और फाइनली उस जमीन पे जहां पे उसकी असली जगह है वो वहीं पे लौट के चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर द टू लाइंस पुट, लास्ट टू लाइंस पुट विद इन द ब्रैकेट्स, इस पोएम के अंदर आखिरी की दो लाइन को ब्रैकेट के अंदर क्यों रखा गया, पहले हम देखेंगे तब इसका एनालिसिस करेंगे। यहां देखो चिल्ड्रन, ये पूरी पोयम है ना, फर्स्ट टू लाइन्स पोयम ने, पोएट ने बोली, फिर ये ब्लैक वाली लाइन सारी किसने बोली है, ये सारी लाइन रेन ने बोली है, लेकिन लास्ट में अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये वाली लाइन देख रहे हो, यहां से लेके यहां तक इसे रखा गया है ब्रैकेट में, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टू लाइन्स है वो तो बोली है पोएट ने, ये वाली लाइन पोएट ने बोली है, इसके बाद वाली लाइन रेन ने बोली है, ये जो लाइन है ये बिल्कुल अलग है ना, ये पोएट को बिलोंग करती है ना ये रेन को, ये बिलोंग करती है म्यूजिक को, तो बिल्कुल पोएम से हटके अलग बात हुई है, इसलिए इन लाइंस को रखा गया है किसमें, इन लाइंस को रखा गया ब्रैकेट में। देखो, द लास्ट टू लाइंस आर अबाउट म्यूजिक व्हाइल द फर्स्ट नाइन लाइंस आर अबाउट रेन, आखिरी की जो लाइन है वो म्यूजिक के बारे में है, जबकि शुरुआत की सारी लाइंस कहीं ना कहीं बारिश को डिनोट कर रही है ना, पोएट भी बारिश से बात कर रहा है। इन द फर्स्ट टू लाइंस पोएट स्पीक्स, पहली दो लाइन में पोएट बात कर रहा है और थर्ड से नाइन्थ लाइन में रेन बात कर रही है। बट द लास्ट टू लाइन्स आर केप्ट विद इन द ब्रैकेट्स टू मार्क द डिफरेंस इन द स्पीकर्स, क्योंकि देखो पहली लाइन, पहली दो लाइन का स्पीकर कौन है, पोएट है, तीसरी से नाइन्थ लाइन का स्पीकर कौन है, रेन है, और जो लास्ट में जो लाइन रखी गई है इनका स्पीकर कौन है, वो म्यूजिक है, वो म्यूजिक के बारे में कही गई है, इसीलिए उन्हें ब्रैकेट में रखा गया है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, लिस्ट द पेयर ऑफ अपोजिट्स, अपोजिट्स क्या होती है, जैसे दिन रात, काला गोरा, फाउंड इन द पोएम, तो कौन कौन से अपोजिट है, राइज एंड डिसेंड। देखो राइज का मतलब है रेन के लिए यूज हुआ था, पानी उठ के ऊपर जाता है और फिर बादलों से फिर नीचे आता है, तो राइज का मतलब ऊपर जाना, डिसेंड का मतलब नीचे जाना। डे और नाइट, डे का मतलब दिन और नाइट का मतलब रात। और लास्ट में यहां पे अगर आप देखो, रैग्ड और अनरैग्ड, ये वाला वर्ड यूज हुआ है, ये म्यूजिक के लिए यूज होगा, चाहे उस म्यूजिक को ध्यान दिया जाए या उस म्यूजिक पे ध्यान ना दिया जाए। तो रैग्ड का मतलब है ध्यान देना और अनरैग्ड का मतलब है ध्यान ना देना, ठीक है। लास्ट में एक क्वेश्चन है जिसका आंसर तुम मुझे दोगे कॉमेंट सेक्शन में, हु स्पीक्स इन फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम, फर्स्ट टू लाइन्स जो है वो पोएम में किसने बोली है, वो पोएट ने बोली है, रेन ने बोली है, म्यूजिक ने बोली है, या नन, किसी ने भी नहीं बोली, इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में।
चिल्ड्रन आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, बहुत मेहनत करता हूं मैं। अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।